चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सलमान खान की और बड़ी फिल्मों के बारे में। और दोस्तों, वहीं पर जानेंगे कि सलमान खान ने साल 1983 से लेकर साल 1985 तक कितनी फिल्मों में काम किया था, कितनी हिट गई थी, कितनी फ्लॉप थी। दोस्तों, सभी जानकारी आज की वीडियो में आपको देने वाले हैं, तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियो में आपने जाना था सलमान खान की साल 1988 से लेकर साल 1992 की सभी फिल्मों के बारे में, लेकिन आज की वीडियो में बात करेंगे साल 1993 से लेकर साल 1995 की सभी बड़ी फिल्मों के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में। तो सभी जानकारी आज की वीडियो में आपको देने वाले हैं, तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहली फिल्म की। तो फिल्म का नाम था चंद्रमुखी। ये मूवी साल 1993 में आई थी। फिल्म इसमें हमें नजर आए थे सलमान खान, श्रीदेवी इसमें अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि चंद्रमुखी मूवी का बजट तकरीबन 5 करोड़ रुपए के बजट मनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 15 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। वहीं दुनिया भर से इस मूवी ने 35 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया था। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर डुपर हिट करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी सलमान खान की साल 1993 में। फिल्म का नाम था दिल तेरा आशिक। ये मूवी साल 1993 में आई थी। फिल्म इसमें हमें नजर आए थे सलमान खान, माधुरी दीक्षित इसमें अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 2 करोड़ रुपए के बजट मनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 1 करोड़ रुपए कमाई थी। वहीं दुनिया भर से इस मूवी ने 1 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक बड़ी फ्लॉप करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी सलमान खान की साल 1994 में। फिल्म का नाम था हम आपके हैं कौन। ये मूवी साल 1994 में आई थी। फिल्म इसमें हमें नजर आए थे सलमान खान, माधुरी दीक्षित इसमें अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 26 करोड़ रुपए के बजट मनी थी। फिल्म सॉरी माफ करना 6 करोड़ रुपए के बजट मनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 2.5 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। वहीं दुनिया भर से इस मूवी ने 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया था। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये सलमान खान की मूवी एक बॉक्स ऑफिस पर एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी सलमान खान के साल 1994 में। फिल्म का नाम था चांद का टुकड़ा। ये मूवी साल 1994 में आई थी। फिल्म इसमें हमें नजर आए थे सलमान खान के साथ श्रीदेवी भी अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 2 करोड़ रुपए के बजट मनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 3 करोड़ रुपए कमाई थी। वहीं दुनिया भर से इस मूवी ने 4 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक बड़ी फ्लॉप करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी सलमान खान की साल 1994 में। फिल्म का नाम था अंदाज अपना अपना। ये मूवी साल 1994 में आई थी। फिल्म इसमें सलमान खान के साथ आमिर खान, करिश्मा कपूर भी अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि अंदाज अपना अपना मूवी का बजट 3 करोड़ रुपए के बजट मनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 9 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। वहीं दुनिया भर से इस मूवी ने 19 करोड़ रुपए की जबरदस्त कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी,
रेस्क्यू मैन से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर अंदाज अपना अपना एक हिट करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी सलमान खान की साल 1995 में, फिल्म का नाम था करण अर्जुन। ये मूवी साल 1995 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे सलमान खान, शाहरुख खान, ममता कुलकर्णी, राखी गुलजार, अंग्रेज पुरी, काजल इसमें अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिटिया फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि करण अर्जुन मूवी का बजट तकरीबन 6 करोड़ रुपए के बजट मनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 44 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। वहीं दुनिया भर से इस मूवी ने 110 करोड़ रुपए की जबरदस्त कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन करण अर्जुन मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर डुपर हिट करार दी गई थी और ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फिल्म आई थी सलमान खान की साल 1995 में, फिल्म का नाम था वीर गति। ये मूवी साल 1995 में आई थी। ये फिल्म इसमें सलमान खान के साथ और भी एक्टर अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिटिया फ्लॉप के बारे में, तो इस फिल्म का बजट 4 करोड़ रुपए के बजट मनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 9 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं दुनिया भर से इस मूवी ने 19 करोड़ रुपए से कम का कलेक्शन किया था। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी वीर गति एक बड़ी फ्लॉप करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी सलमान खान की साल 1996 में, फिल्म का नाम था मजेदार। ये मूवी साल 1996 में आई थी। ये फिल्म इसमें सलमान खान मजे लेते हुए ही नजर आए थे, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। इस मूवी का बजट 1.5 करोड़ रुपए के बजट मनी थी। ये फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 50 लाख रुपए की शानदार कमाई की थी। वहीं दुनिया भर से इस मूवी ने 1 करोड़ से कम का कलेक्शन किया था। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये सलमान खान की मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी सलमान खान की साल 1996 में, फिल्म का नाम था खामोशी। ये मूवी साल 1996 में आई थी। ये फिल्म सलमान खान के साथ और भी एक्टर अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो फिल्म का बजट 6 करोड़ रुपए के बजट बनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 14 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। वहीं दुनिया भर से इस मूवी ने 19 करोड़ रुपए की जबरदस्त कमाई की थी। और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट करार दी गई। अगली फिल्म आई थी सलमान खान की साल 1996 में, फिल्म का नाम था जीत। ये मूवी साल 1996 में आई थी। फिल्म इस मूवी का बजट तकरीबन 7 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 28 करोड़ रुपए कमाए थे। और ये मूवी इस वजह से बॉक्स ऑफिस पर काफी फेमस हुई थी, क्योंकि इसमें जो सन्नी देओल और करिश्मा कपूर का जो डायलॉग है वो काफी शानदार रखा था ऑडियंस को। और ये मूवी साल 1996 की बहुत ही शानदार मूवी थी। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक बड़ी सुपर डुपर हिट करार दी गई थी। दोस्तों ये रही सलमान खान की साल 1993 से लेकर साल 1996 की सभी फिल्में। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि सलमान खान ने साल 1993 से लेकर साल 1996 की इन सभी फिल्मों में से कौन सी मूवी आपके ज़्यादा पसंद है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और दोस्तों अगर आप भी सलमान खान को एक अच्छा और बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर कर दें। और दोस्तों अगर आप भी किसी मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या बजट जानना चाहते हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि हम आपका जवाब देने के लिए तैयार हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर फिल्में नई हों या पुरानी, सभी इन्फॉर्मेशन अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके ही लाइक से हमारी असल अर्निंग है।